जय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबको शुभकामनाएं जो है नए नए सिलेबस की, ठीक है। और आप जो है जो तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी में क्या करें तो बेस्ट करें, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जो है एनसीईआरटी क्लास 12 का जो है पहला ही चैप्टर है। और हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है कि इससे जो है आपके क्वेश्चन जो है देखने को मिलते ही हैं, ठीक है ना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको जो है ये जो इससे जुड़े जो क्वेश्चन है ना, कुछ फैक्ट वाले उठा करके आपको दे देता है। जैसे कि यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन कहाँ से आपका आता है, तो इससे आप देखिए, पहली बार तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है ना। इसको आप पढ़ेंगे कैसे, कब से कैसे आपका जो हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट होगा? तो एनसीईआरटी क्लास जो मैंने आपको पढ़ाया है, क्लास 6 पढ़ाया है, क्लास 7 पढ़ाया है, क्लास 8 पढ़ाया है, आप ये तीनों एनसीईआरटी मिस नहीं करेंगे। इस चैनल पर जाएंगे तो आपको जो है क्लास 6 की, क्लास 7 का, क्लास 8 का एनसीईआरटी मिल जाएगा। उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाकर देखेंगे। मुश्किल से 6 घंटे लगाएंगे तो आपका एक पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हैं। 6 घंटे आपको तो देने हैं। आप जो है 3 दिन देंगे तो आपके 3 बुक कंप्लीट हो सकते हैं। और आप उसका नोट्स मत बनाइएगा एनसीईआरटी का, आप नोट्स बनाइएगा उसका, मैं बता दूं। बस उसका आप एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से, बस बैठ करके सुनिएगा बातों को, और फिगर आउट जिसमें मैंने आपको इस फिगर से समझाया है उसको समझिएगा। उसके बाद आप करेंगे क्या कि आप आ जाएंगे इसी चैनल पर, ठीक है। और आपको मिलेगा एक एंशियंट हिस्ट्री का एक न्यू बैच, अभी एक ओल्ड है तो उसको भी देखेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको मत देखिएगा। अभी देखिएगा जो है न्यू वाला है, ठीक है। न्यू जो एनसीईआरटी का जो बैच है ना, इसको आप क्या करिएगा, सॉरी एनसीईआरटी नहीं, जीएस का, एंशियंट हिस्ट्री का, उसके बाद आप उसको देखिए। उसके बाद आपकी जो तैयारी है वो एक लेवल पर होगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आप जाइए उसको देखिए और देखते रहिए, ठीक है। तो अब मैं क्लास का थोड़ा शेड्यूल बता दूं। डेली मॉर्निंग में आपको जो है 7 बजे एनसीईआरटी क्लास जो ये मिल रही है ये मिलेगी। 8 बजे जो है आपको मिलती है, 8 बजे आपको किसकी मिलती है, एंशियंट हिस्ट्री जीएस की क्लास मिलती है। हर क्लास आपको टाइम से मिलेगी। फिर 9 बजे आपको इंडियन पॉलिटी क्लास मिल जाएगी। फिर जैसे ही 10 बजेगा आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी और जो इसका पूरा जो चैप्टर है मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं, हम लोग ये सारी बातें हम लोग देख चुके हैं। आज देखते हैं कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना था, ठीक है ना। सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। हम लोग शिल्प को देख रहे थे, शिल्प उत्पादन भी हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है, ठीक है। ये देखना था उत्पादन केंद्रों की पहचान, इसको देखते हैं। ये आप देख रहे हैं किसकी मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां मातृ देवी की, ठीक है। किसकी? मातृ देवी की। ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख मूर्तियों में से एक है। और ये कौन सी मूर्ति है? तो मातृ देवी की मूर्तियां हैं, ठीक है। और इससे ये पता चलता है, इसे सामाजिक वाला मैं बता दूं कि भाई एक चीज आप समझ लीजिए कि जिस भी कोई भी सभ्यता हो वहां से जो है जिस देवता की मूर्तियां ज्यादा मिलेगी तो लोग कहीं ना कहीं माना जाएगा कि भाई वो उस देवता का जो है, उस जो है मतलब जिस लिंग से वो बिलोंग करते हैं उनका वर्चस्व रहा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मातृ देवी की मूर्तियां मिलने का सीधा सा मतलब आपको क्या समझ में आता है? सीधा सा मतलब यही समझ में आता है कहीं ना कहीं जो है महिलाओं का वर्चस्व रहा होगा उस समय, इसलिए क्या होता है तो मातृ देवी की पूजा देखने को मिलती है। आपको बात समझ आ रही है आपको मेरी? कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उत्पादन केंद्रों का पहचान। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद जो है समानता निम्नलिखित को ढूंढते हैं। ये क्या बता रहा है? उत्पादन केंद्र की पहचान, आखिर उत्पादन केंद्र की पहचान कैसे हुई है, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा जो प्रस्तर पिंड है, पत्थरों के पिंड, पूरे संख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट, यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतक में एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए संग अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी जो है बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। यानी जहां जहां से ये जो छोटे छोटे अवशेष मिले हैं वहां से क्या पता चल रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इसका उत्पादन होता होगा, इन बर्तनों का उत्पादन होता होगा, ठीक है ना। समझ आ रही है आपको बात?
तो थोड़ा सा ये जो टेक्निकल दे दिया है ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको भाई क्लास 12th में आए हैं और क्लास 12th का आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, तो एक लेवल का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो वही लेवल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये एंशियंट हिस्ट्री में ही आपको ज्यादा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्यों मतलब क्यों इतना हार्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी बेसिक समझा रहा है, पहला चैप्टर है इसका, पहला चैप्टर है ना इसका, तो समझाएगा ही आपको हर छोटी छोटी बातें यहाँ पर बता रहा है, जो आपको बोर मतलब होने में थोड़ा सा योगदान दे रहा है ठीक है। तो आप इसे बोर ना होइए, लगे रहिए, आपको समझ में आएगी ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं कि तांबे की बर्तन जो होती हैं, आज की भी अगर आप तांबे की बर्तन देखेंगे तो लगभग ऐसे ही होती है, अंदर का जो है ठीक है, तांबे का बर्तन आप देखे होंगे। आगे देखते हैं, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। आखिर ये लोग माल कहाँ से प्राप्त करते थे, सामान कहाँ से लाते थे? जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था ठीक है। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय प्रस्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे कि पत्थर हो गए, लकड़ी हो गई, धातु हो गए, ये जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्र से मंगाने पड़ते थे। यानी कुछ ऐसे मतलब बता रहा है, ये बताना चाहता है कि कुछ वस्तुएं जो हैं कि वह सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वहीं से मिल जाती है। जैसे कि हम लोग देखे थे कि जो समुद्र किनारे वाला जो क्षेत्र है तो वहां से क्या मिलता है, शंख मिल जाता है वहां पर। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्थानीय स्तर पर मिल जाती है, लेकिन कुछ चीजें जो है दूर दूर से मंगानी पड़ती है ठीक है। इन लोग का जो है अफगानिस्तान से भी उन्होंने मंगाया है, और जो पत्थर है वो मंगाया है ये लोग ठीक है, बहुत सारी चीजें उन्होंने मंगाया है। बैलगाड़ियों की मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं यह सामान, तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। यानी मतलब क्या है, जो बैलगाड़ी का मिट्टी का मिलना क्या है, देखिए जो भी खिलौना होता है वो अपने कहीं ना कहीं समाज का एक परिदृश्य होता है ठीक है। आज भी आप देखिए गेम को देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उसे सोसाइटी में हो रहा होगा, लगभग लगभग हो रहा होगा। ऐसा नहीं कि आप मान कर चलिए कि नहीं वो, अब मैं ऑनलाइन गेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ ठीक है। जैसे कि कुछ गेम ऐसे हो सकते हैं, लेकिन आप वो डिजिटल गेम की मैं बात नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए जो खिलौना है ठीक है, आज खिलौने में क्या आपको क्या देखने को मिलता है, आज आप देखेंगे कि भाई रेलगाड़ी के खिलौने मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, एरोप्लेन के खिलौने मिलते हैं, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं बताइए। और जो है एरोप्लेन का मिल रहे हैं, रेलगाड़ी के मिल रहे हैं, ट्रक के मिल रहे हैं, कार के मिल रहे हैं, अब तो भाई एकदम मस्त मस्त जैगवार कार की जो है आपको खिलौने मिलेंगे, जाएंगे खिलौने की दुकान में, तो और भी बहुत चीजें हो गई होंगी, हमने भी देखे बहुत समय हो गए हैं। तो बात समझ रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों का इंटरेस्ट है इसमें वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में क्या मतलब क्या है, तो जो है जैगवार है इंपॉर्टेंट हो गई, लंबोर्गिनी का जो है आपको जो है खिलौना देखने को मिल जाएगा, रिमोट वाले जो भी होती हैं। तो क्या है, देख समाज का एक परिदृश्य दिखा रहा है कि हाँ वास्तव में इस समय जो है यही कार जो है चल रही है। तो उस समय क्या चल रही थी, तो जो समय के खिलौने मिले हैं बैलगाड़ी की मिट्टी के खिलौने मिले हैं, तो कहीं ना कहीं माना जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं क्या है तो बैलगाड़ियों का उपयोग होता होगा। जाहिर सी बात है उस समय आपको अब एरोप्लेन तो दिखेगा नहीं ठीक है, आज से हम लोग लगभग लगभग 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं ठीक है ना, 3500 BC मान सकते हैं, 4000 भी गलत नहीं है लेकिन 3500 BC आप मानेंगे, तो 3500 साल पहले की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से ठीक है। आगे देखते हैं, संभवतः सिंधु तथा जो है इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। यानी देखिए तटीय मार्ग से कैसे जाते थे ये लोग, तो बैलगाड़ी से, और जो नदी मार्ग का है तो नाव से जो है ये लोग जाते थे ठीक है। आगे देखते हैं, उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। यानी जो हड़प्पा वाले जो लोग थे, हड़प्पा कालीन वाले, ये लोग भाई सामान खरीदने के लिए क्या करते थे, कई तरीके उपयोग करते थे। अब देखिए उदाहरण के लिए, जैसे कि उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, अब नागेश्वर और बालाकोट में शंख आसानी से क्यों उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि नागेश्वर और बालाकोट को अगर आप मैपिंग देखेंगे, ऊपर मैप में दिया हुआ है, ये सब कहाँ है, मैंने आपको कल भी दिखाया था, ये जो मैं जो मैप में दिया हुआ है ये है समुद्र के किनारे, कहाँ है समुद्र के किनारे है ठीक है ना। देखिए ये हो गया आपका नागेश्वर, ये हो गया आपका बालाकोट। बालाकोट कहाँ है, तो आज के जो है आधुनिक पाकिस्तान में जो है चला गया है, और जो नागेश्वर है आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। तो दोनों जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो समुद्र के तट पर स्थित है। तो जाहिर सी बात है समुद्र के तलहटी में आपको क्या मिलेगा, शंख वंख जो है आसानी से मिल जाएंगे। बात समझ आ रही है आपको। आगे देखते हैं, बस्तियां स्थापित की थी। ऐसे ही कुछ अन्य प्रस्थल थे सुदूर अफगानिस्तान में सुरतुगई,
जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्त मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। ठीक है, यानी आप समझ लीजिए कि जो अफगानिस्तान से ये लोग क्या मंगाए हैं, अफगानिस्तान से ये लोग लाजवंत जो मड़ी जो आप सुनते होंगे वही लाजवंत मड़ी जो है मंगाते थे, और जो है नीले रंग का जो खास पत्थर होता है जो स्पेसिफिक डिजाइनदार होता है उसको ये लोग कहाँ से मंगाते थे, तो अफगानिस्तान से ये लोग मंगाया करते थे। समझ में आ रहा है आपको बात। तथा लोथल जो कार्निलियन, ठीक है, यानी गुजरात में जो भड़ौस वाला स्थान है सेलखड़ी, ठीक है, कार्निलियन जो है कहाँ से मिल रहा है, गुजरात में भड़ौस से सेलखड़ी जो कहाँ से मिलता था, देखिए ये याद रखेंगे कि जो कि देखिए एग्जाम पूछ देगा कि कार्निलियन कहाँ से मिला है, तो गुजरात में भड़ौस से सेलखड़ी कहाँ से मिला है, सेलखड़ी पत्थर है तो ये मिला है दक्षिणी राजस्थान से तथा उत्तरी गुजरात से। जैसे कि मान लीजिए फिगर में ये आपको गुजरात देखने को मिल गया, तो यहाँ पर राजस्थान है, तो ऊपर का जो है ऊपर से आएंगे तो दक्षिणी राजस्थान हो जाएगा, इधर से देखेंगे तो उत्तरी जो है उत्तरी गुजरात हो जाएगा। तो ये वाला क्षेत्र मान लीजिए हम लोग का भारत का मैप है, तो ये जो गुजरात का जो क्षेत्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर गुजरात वाला क्षेत्र है और यहाँ पर राजस्थान वाला। समझ आ रहे हैं आपको, आगे देखते हैं। और जो धातु है राजस्थान के स्रोतों के निकट स्थित था, कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी राजस्थान के खेतड़ी, खेतड़ी अचल ये मतलब कहाँ किसके लिए था, तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत जो है सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना। यानी ये लोग जो है कई जगह अपना अभियान भेजते थे, तो कहाँ पर क्या मिल रही है आप इससे देख सकते हैं कि राजस्थान के जो खेतड़ी जगह है वहां से तांबा जो मिलता है, तांबा मिलता मिलता था उस समय, और जो दक्षिण भारत है वो सोने के लिए। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं ऐसे संपर्कों की संकेतक हैं। यानी यहाँ से भी जो है कुछ वस्तुएं मिली हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से बिलोंग करती हैं, इसलिए जो है हम मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए देखिए ये क्या है, चलिए मान लीजिए भारत का मैप है, ठीक है, इसको मान लेते हैं सिंधु घाटी का सभ्यता का क्षेत्र। तो यहाँ पर जो वस्तुएं मिली है ना वो भारत के अन्य क्षेत्र से भी कुछ कुछ जगह से साउथ इंडिया से मिली हैं, कुछ उत्तर से मिली हैं, तो कहीं ना कहीं माना गया है कि इनका संपर्क यहाँ से रहा होगा। ठीक है ना। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है, ठीक है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। समझ रहे हैं आप लोग, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम जो है किस सभ्यता से लिया गया है, या मतलब इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो आप बताएंगे कि खेतड़ी क्षेत्र, खेतड़ी कहाँ पर है, तो राजस्थान में है खेतड़ी। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। यानी जो है खेतड़ी वाला जो क्षेत्र है लोग क्या करते थे, तो हड़प्पा वाले लोगों को तांबा भेजा करते थे। यहाँ पर कुछ शहर का नाम दिया है, जैसे आप यहाँ से मेसोपोटामिया देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप मेसोपोटामिया के संपर्क कर पाएंगे, ये देखिए ये क्या है, तो ये हम लोग का हड़प्पा वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये लोथल है जो गुजरात में है, ये सुद कांगडोर है। ठीक है, यहाँ से देखिए देखिए ये क्या है, तो मेसोपोटामिया है, ये क्या है तो दिलमुन है। ठीक है, और ये क्या है तो मगान, समझ रहे हैं, और ये मेलुहा, यही मेलुहा कोई क्या कहा गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, तो सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम क्या है, मेलुहा। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं तुरान हो गया, उस समय की जो है जो भी सभ्यताएं रही हैं सिंधु घाटी समय की वो यहाँ पर दी गई है। तो दिलमुन, मगान, ठीक है, मेसोपोटामिया, उरुक, उर टीपे, याह्या, ये सब क्या है उस समय की तो सभ्यताएं हैं। देखिए ठीक है, ये देख रहे हैं कि आप जो है लाल सागर है अभी तो हाल में ये ट्रेंडिंग में रहा है, ये हम लोगों का अरब सागर है। ठीक है, तो बात समझ आ रही है, इतनी समझ लिए कैसे यहाँ से खोज किया जाता था। तो हम लोग कल से देखेंगे कल वीडियो में देखेंगे कि भाई इन लोग का जो सुदूर क्षेत्रों से संपर्क है वह कैसे हुआ। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।